Hello everyone. Today we will read our chapter 6, Playing in the Park. In this chapter we will read about the park. आप सभी बच्चे पार्क में गए हैं, सभी ने पार्क देखा है। इस चैप्टर में आज हम पार्क के बारे में ही पढ़ेंगे। कुछ बच्चे हैं जो पार्क में खेल रहे हैं। ओके, इट इज़ इवनिंग, यह शाम का टाइम है। मिसिज राव इज़ गेटिंग रेडी टू टेक हर चिल्ड्रन टू द पार्क। मिसिज राव तैयार हो रही हैं अपने बच्चों को पार्क में ले जाने के लिए। मम्मी लेट्स गो टू द पार्क, इट इज़ टाइम। मम्मी चलिए पार्क में चलते हैं, यह टाइम हो रहा है। ओके, आन्या एंड आदि गेट रेडी। आन्या और आदि की मम्मा कह रही हैं कि आन्या आदि ठीक है चलो तैयार हो जाओ। टेक योर बॉल एंड योर बॉटल ऑफ वाटर, अपनी बॉल और अपनी वाटर बॉटल साथ में ले लेना। मम्मी कैन भोलू कम टू, मम्मी क्या भोलू भी हमारे साथ आ सकता है प्लीज़। ही लव्स टू रोल ऑन द ग्रास, उसे घास पर रोल करना पसंद है। उनकी मम्मी कहती हैं ओके भोलू कैन कम टू, ठीक है भोलू भी हमारे साथ आ सकता है। ओके, हुर्रे, दोनों बच्चे खुश होते हैं। हुर्रे मतलब उन्हें खुशी हुई कि ठीक है भोलू हमारे साथ आ रहा है। वेट आदि लेट द स्विंग स्टॉप फर्स्ट, मम्मी कह रही हैं आदि वेट करो पहले झूले को रुकने दो। मम्मा ने ऐसा इसलिए बोला ताकि उन्हें चोट ना लगे। अगर झूला झूलते हुए वो फुटबॉल लेकर, देखिए आदि फुटबॉल को पकड़ने के लिए जा रहा है झूले के पास, स्विंग के पास, तो उसको हर्ट हो सकता है, चोट लग सकती है। ठीक है, तो आदि क्या कहता है, ओके मम्मी ठीक है मम्मा मैं अभी वेट करता हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू प्ले ऑन द स्लाइड, अब आदि क्या कह रहा है मम्मा को कि मम्मा मुझे स्लाइड पर खेलना है। मम्मी आई वॉन्ट टू गो ऑन द स्लाइड टू, आन्या इज़ ऑल्सो सेइंग, आन्या भी कह रही है कि मम्मी मुझे भी स्लाइड पर जाना है। ओके गो ऑन, ठीक है जाइए। वेट फॉर योर टर्न, लेकिन अपनी टर्न का वेट करना। गो वन बाय वन, और एक एक करके जाना। बी केयरफुल, लुक भोलू इज रनिंग, देखो भोलू दौड़ रहा है। आफ्टर रियाज बॉल, रिया की बॉल के पीछे। शी इज क्राइंग, और रिया रो रही है। रोहन इज पिकिंग अप ए स्टोन, रोहन एक स्टोन उठा रहा है। ही इज गोइंग टू थ्रो द स्टोन टू पुअर भोलू, और वो उसे